अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 1। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे जेड एंड जे स्क्वायर। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हमने जो आइगन वैल्यूज फाइंड की हैं जे जेड और जे स्क्वायर के लिए, हम उनको इस्तेमाल करते हुए अब हम उनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। उसके जो भी पॉसिबल आंसर्स आते हैं हम उनको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसके डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सो हमने स्टार्ट में कंसिडर किया था कि जे जेड जब स्टेट पर अप्लाई होगा तो उसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो एम जी एच कट होगी, हमने कैलकुलेट कर ली थी आइगन वैल्यू उसकी। और जो हमारा वेव फंक्शन था, हमारी स्टेट थी साई, वो थी ए ई टू द पावर आयोटा एम जे फाइव, वेयर एम जे वाज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस सेकेंडरी एम जे को हमने सेकेंडरी टोटल एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया था, क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्टेट है साई वो डिपेंड करता है एम जे पर, विच इज इक्वल टू 2j+1, विच मीन्स के एम जे पर भी डिपेंड कर रहा है और जे पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम उसको एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगी जी, साई उसकी बेस में हमने लिख दिया जे एंड एम जे, राइट। कि जो साई है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू जे, जब जे चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली एम जे की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब अगर मल्टीप्लाई कर दें इस स्टेट के इनवर्स को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो ये हमने उसके एक इनवर्स ले लिए साई जे प्राइम एंड एम जे प्राइम। नाउ जे प्राइम इज अपोजिट टू जे एंड एम जे प्राइम इज अपोजिट टू एम जे। अपोजिट मीन उसका इनवर्स या उसका कॉम्प्लेक्स। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट फ्रॉम द लेफ्ट, एज यू कैन सी द हियर, तो यहाँ जे जेड है उसके लेफ्ट पर हमने उसका ये हमारी कैट स्टेट हुआ है, तो ये हमारी ब्रा स्टेट बन जाएगी। सो वी विल मल्टीप्लाई इट ऑन द बोथ साइड्स, तो यहाँ भी एम जे की लेफ्ट साइड पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब एम जे हमने पढ़ाई कि इसकी वैल्यूज होती हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, एंड एच कट इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों स्टेट्स के दरमियान दिस वन, ये इन दोनों स्टेट्स के दरमियान ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं वो स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, दे हैव नथिंग टू डू विद द स्टेट। तो हम इनकी इन वैल्यूज को हम उन स्टेट से बाहर निकाल कर भी लिख सकते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं कि एम जे को जो है हमने वो आउटसाइड करके लिख लिया। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसका, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अतः कि लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो जो जे जेड है ये हमारे पास ऑपरेटर है, ये देख रहे हैं इसके ऊपर कैप है, मींस दिस इज एन ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर है वो वेव फंक्शन पर अप्लाई होता है। सो ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन द वेव फंक्शन विल गिव यू सम रिजल्ट्स। तो इसलिए हम इस ऑपरेटर को इस ब्रा और कैट नोटेशन से बाहर निकाल कर नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट जो है इस प्रोडक्ट को, ये बिल्कुल ऐसे जैसे साई एंड साई, हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी कि साई और साई दो वेव फंक्शन का अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। और अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों कैसे चेंज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। तो ये सेम इक्वेशन है, लेफ्ट साइड एज इट इज, एम जे एच कट एज इट इज। वो जो प्रोडक्ट था साई और साई विद जे एम जे एंड जे प्राइम एंड एम जे प्राइम, तो हमने उसका ये इनर प्रोडक्ट का जो है ना ये क्रोनिकल डेल्टा फॉर्म में लिख लिया कि डेल्टा जे जे प्राइम जे एंड डेल्टा एम जे प्राइम एम जे। अब इसकी ये वैल्यूज हैं कि जो डेल्टा एम जे प्राइम और एम जे है इसकी वैल्यू 1 होगी जब एम जे प्राइम एम जे के बराबर होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। सेम सिचुएशन हमारे पास जे प्राइम जे के लिए है, जब ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 होगा, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम
अब हम इसको मैट्रिसेस के लिए सॉल्व करेंगे। हम यहाँ एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि जो जे की वैल्यूज हैं वो होती हैं 0, 1 बाई 2, 1, 3 बाई 2 एंड सो ऑन, बट हेयर वी आर ओनली टेकिंग फॉर जे इज इक्वल टू 1। ये हमने स्पेसिफिकली कोड डिजाइन किया इस तरह से कि हम इसको सॉल्व करेंगे। और जब जे 1 होगा तो हमने पढ़ा है कि जे 1 है, तो अगर हम प्रीवियस इक्वेशन में जाकर देखें कि जे 1 होगा तो ये 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो एम जे की हमारे पास कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 3 वैल्यूज आनी चाहिए। तो वो 3 वैल्यूज क्या होती हैं? वो 1 के डिफरेंस से आती हैं। तो सेंटर में 0 है तो वो हमारे पास एक प्लस 1 हो जाएगा और एक माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने इन 3 वैल्यूज के रिस्पेक्ट से ये मैट्रिक्स बनाना है एक, ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट इट, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। अब हमने इसकी लेफ्ट साइड को यूज करना है। लेफ्ट साइड को हमने यहाँ ये लिख दिया। ये लेफ्ट साइड हमेशा आपका जिस नजर आएगी, सेंटर में ये जे जेड ऑपरेटर है, राइट साइड पर वेव फंक्शन और लेफ्ट साइड पर भी वेव फंक्शन हमारे स्टेट्स हैं। अब हमने यहाँ जे प्राइम, एम जे प्राइम, जे और एम जे की वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले ये कि हमने जे को 1 के इक्वल लिया है, तो जे 1 होगा और जे प्राइम भी हम 1 ही कंसीडर करेंगे। वी आर फिक्सिंग दिस वैल्यू ऑफ जे, तो जे और जे प्राइम की वैल्यूज हम हमेशा 1 के इक्वल लेंगे। और एम जे की जो वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज हैं, प्लस 1, 0 एंड माइनस 1। तो प्लस 1, 0 और माइनस 1 को हम रोज के अकॉर्डिंग भी चेंज करेंगे और कॉलम के अकॉर्डिंग भी चेंज करेंगे। अभी देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो फर्स्ट हमने ये एज इट इज इक्वेशन आ गई, तो जो फर्स्ट टर्म है ये साई 1, ये बेसिकली जे प्राइम हमने 1 के इक्वल लिया है, एम जे प्राइम हमने 1 के इक्वल लिया है, राइट। यहां जे हमने पे अगेन 1 के इक्वल लिया क्योंकि हमारे पास जे 1 है हमेशा, एम जे को हमने 1 लिया है, तो ये एम जे की वैल्यू आ गई। अभी हम चलेंगे पहले रो वाइज, तो हमने प्लस 1 की वैल्यू यहां पुट कर दी। इसी तरह से जब हम रो वाइज नेक्स्ट उस पे जाएंगे, तो जे प्राइम, एम जे प्राइम और जे की वैल्यू फिक्स रहेंगी, सिर्फ एम जे की वैल्यू चेंज होगी विच इज 0। तो ये हम जहां वैल्यूज पुट कर रहे हैं जे एम जे, जे प्राइम एम जे प्राइम, तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए? माइनस 1 की। बाकी तमाम वैल्यूज सेम रहेंगी, जस्ट हम जो है माइनस 1 जो है वो एम जे की जगह पर हम उसको लिख देंगे। तो ये हमने अभी रो वाइज चेंज किया, अभी हमने इसको कॉलम वाइज चेंज करना है। कॉलम वाइज चेंज करेंगे तो ये जे प्राइम की वैल्यू ये 1 आ गई, एम जे की वैल्यू अब हमने क्योंकि चेंज करना है कॉलम वाइज, तो कॉलम में हम 0 लिखेंगे, फिर यहाँ जे की वैल्यू अगेन 1 और एम जे की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई? 1। अब ये एम जे की वैल्यू हम कॉलम में 1 फिक्स कर ली हमने, और यहाँ ये इसको चेंज कर रहे हैं एम जे प्राइम को। अगेन ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा एंड सो ऑन। आप इसकी रेपुटेशन जो है वो आप देख सकते हैं, रेपुटेशन, एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एज यू कैन सी। जस्ट जे एम जे प्राइम, जे प्राइम एम जे प्राइम, जे और एम जे की वैल्यूज को रिप्लेस करना है। एम जे की वैल्यूज को हमने पहले रो वाइज रिप्लेस करना है और फिर कॉलम वाइज रिप्लेस करना है। तो ये 1, 0, माइनस 1 कॉलम वाइज आ गई, ये 1, 0, माइनस 1 कॉलम वाइज आ गई, ये 1, 0, माइनस 1 कॉलम वाइज आ गई। और रो वाइज चाहिए 1, 0, माइनस 1, 1, 0, माइनस 1, 1, 0, माइनस 1। और ये एम जे की वैल्यूज को हमने रो और कॉलम वाइज चेंज कर दिया, और जे प्राइम की वैल्यूज वो 1 है वो वैसे फिक्स रहेंगे हमेशा। तो देखना ये कि अब इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो अब इसमें जे प्राइम और जे सेम है, तो हमें पता है कि अब ये इनर प्रोडक्ट ये लेफ्ट साइड वाला लिया था ना हमने, अब हमने देखने के वैल्यूज पुट करने के बाद राइट साइड पर इसका आंसर क्या आता है। इसी तरह से हम राइट साइड पर ये हम मैट्रिक्स डिवेलप करेंगे आंसर के साथ।
तो एम जी एच कट एज इट इज आएगा। जे और जे प्राइम सेम है फर्स्ट टर्म में, जे और जे प्राइम सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। एम जी प्राइम और एम जे सेम है, जी बिल्कुल, एम जे यहाँ वन है, एम जे प्राइम भी वन है, तो यहाँ इसका आंसर वन आ जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट वन है तो आंसर क्या आ जाएगा, एम जे एच कट। नाउ एम जे किसके इक्वल आया हमारे पास, वो हमारे पास प्लस वन था, तो एम जे की जगह पे हम प्लस वन पुट कर देंगे तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, एच कट। तो ये हमारे पास एच कट की वैल्यू आ गई, राइट। इस तरह से नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो एम जे प्राइम और एम जे, ये एक वन है एक जीरो है, एम जे की वैल्यू जीरो है तो टेक्निकली यहाँ जीरो पुट करेंगे तो सारा आंसर जीरो हो जाएगा। और वैसे भी ये जो क्रोनिकल डेल्टा है एम जे प्राइम और एम जे, ये क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो होगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, जीरो। इस तरह से आप हर टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट जीरो आंसर फॉर ऑल द टर्म एक्सेप्ट दिस लास्ट टर्म, सो विच इज माइनस वन एंड माइनस वन। तो एम जे प्राइम और एम जे की वैल्यू सेम हो गई तो वन हो गया, जे और जे प्राइम की वैल्यू भी सेम है तो वो वन हो गया, और हमारे पास जो है एम जे की वैल्यू जो है वो हमने किसके इक्वल ली है, माइनस वन के इक्वल ली है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन, कि यहाँ ये जीरो है ये जीरो है, अब ये एम जे प्राइम है, ये एम जे प्राइम है और ये एम जे है, अब इनकी वैल्यू जीरो तो हो गई है, आई मीन ये दोनों सेम तो हैं, सेम है, आंसर वन आएगा, लेकिन क्योंकि एम जे की वैल्यू इटसेल्फ जीरो है, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा जी, जीरो। तो ये हमने एक मैट्रिक्स डिवेलप कर लिया विच इज नोन एज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे जेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।